गोरखपुर में सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं भगवान शिव को एक अल्पसंख्यक समुदाय के भक्त शहाबुद्दीन ने भी जल चढ़ाया। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन उर्फ दरोगा बेलीपार थाना के विश्रामपुर गांव का रहने वाला है। दिलचस्प है कि मुस्लिम श्रद्धालु शहाबुद्दीन का कहना है कि करीब 4 वर्षों से प्रत्येक सोमवार को भगवान शंकर की पूजा करने के साथ साथ सच्ची आस्था के साथ व्रत भी रहता है। उसका कहना है कि पिछले 4 सालों से वह भगवान शिव की आराधना कर रहा है। साथ ही उसका कहना है कि भगवान की पूजा से उसकी सभी काम पूरे हो रहे हैं। साथ ही घर वालों के विरोध किए जाने के बारे में पूछे जाने पर उसका कहना है कि किसी का विरोध नहीं है। इसके साथ ही शहाबुद्दीन का कहना है कि वह सभी धर्मों का आदर करता है। गौरतलब है कि दक्षिणांचल क्षेत्र में भगवापार स्थित प्राचीन बाबा मुंजेश्वरनाथ शिव मंदिर पर हिंदू श्रद्धालु के साथ मुस्लिम भक्त ने भगवान शिव को जल चढ़ाया। निश्चित तौर पर समाज में शहाबुद्दीन जैसे लोग गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुस्लिम शिव भक्त शहाबुद्दीन ने कहा, आज बाबा मुंजेश्वरनाथ के स्थान पर जल चढ़ाने आया हूं और मेरा नाम शहाबुद्दीन खान, मैं महावीर छपरा की रहने वाला हूं और मुझे बहुत पसंद होते हैं, हम भोलेनाथ के दरबार पर जाते हैं और हम राम रहीम को सबको भी मानते हैं, भोले बाबा को बहुत हम मानते हैं। हमारा करीबन हो गया 5-4 साल हो गया, 4 साल से हम जल चढ़ाते हैं भोलेनाथ के दरबार पर जी। हर सोमवार को व्रत भी रहते हैं, हर सोमवार को भी जल चढ़ाने आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है भोलेनाथ को जल चढ़ाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भोलेनाथ पर बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि भोलेनाथ हमारा सब कामना पूरा करते हैं। नहीं, कोई नहीं, हमारे परिवार का कोई विरोध नहीं करता है। मेरा शहाबुद्दीन नाम है, उर्फ दरोगा नाम है।